Hi guys, welcome to my channel. I am Pallavi. I hope you all are doing great. So, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दिस मेकअप लुक जो अभी मैंने प्रिपेयर कर रखा है. सो मैंने बहुत ही प्यारा सा ये स्मोकी आई लुक किया है. ये एक मैट स्मोकी आई लुक नहीं है, ये एक सिमरी शार्क ग्लिटरी सा स्मोकी आई लुक है विद द न्यूड लिप. सो आप चाहो तो लिप का कलर चेंज कर सकते हो अपने अनुसार. एंड आप लोगों को पता ही है कि स्मोकी लुक किसी भी आउटफिट के साथ, किसी भी ओकेजन के साथ बहुत ही अच्छे से जाता है. सो इसलिए मैंने ये लुक क्रिएट किया है विद द लिटिल बिट शिमरी टचअप. सो इस मेकअप लुक को आप पार्टी में, लेट नाइट पार्टी में, डेट नाइट में, अपने डेट पे कहीं भी बहुत अच्छे से कैरी करके जा सकते हो. बहुत ही प्यारा लगेगा. एंड वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसे शेयर करें. एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए. अगर आप जानना चाहते हैं मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें. सो या विदाउट एनी फर्दर दू चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं. सो फर्स्टली मैं यहाँ ले रही हूँ मामा अर्थ का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर. सो मेरी स्किन ड्राई है फिर भी मैं ये यूज कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे पास है. मैं तो इसे मैं अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी. एंड अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप रेगुलर बेसिस पे ये मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं. सो इसे मैंने अच्छे से लगा लिया अपने फेस पे एंड मैं यहाँ पे अपनी बिंदी हटा ले रही हूँ. मैं हमेशा ये बिंदी हटाना भूल जाती हूँ एंड जब मैं जब अप्लाई करना स्टार्ट करती हूँ तो उसके बाद मुझे याद आता है बिंदी हटाने का. सो कोई बात नहीं. नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी ये गुड वाइब्स का रोज हिप सीरम. सो मैंने यहाँ 2-3 ड्रॉप्स लिया है गुड वाइब्स सीरम के एंड अपने पाम पे से रब करते हुए मैं अच्छे से अपने स्किन पे अप्लाई करूँगी. मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का ये सनस्क्रीन. सनस्क्रीन आप घर में भी हो तो भी आप इसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हो क्योंकि घर में भी लाइट्स आती हैं, धूप आती है. सो आपको यूज़ करना चाहिए सनस्क्रीन डेली बेसिस पे भी. आप देख सकते हो मेरे दोनों हैंड के जो नेल पेंट है वो अलग अलग है क्योंकि ये मैंने तीज में किया था और ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया है. क्योंकि ये हैंड से काम वाम होता है तो नेल पेंट जल्दी उतर जाते हैं, ख़राब हो जाता है. सो इसलिए मैंने इसमें किया है. सो अब बारी आती है प्राइमर की. सो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू हेवन का प्राइमर, परफेक्ट मेकअप बेस्ड स्टूडियो परफेक्शन प्राइमर. सो लिटिल बिट लेके मैं इसे अपने टी जोन एरियाज पे लगा लूँगी जहाँ पे हमारे पोर्स ओपन होते हैं वहाँ पे हम इसे मेनली अप्लाई करेंगे ताकि हमारे पोर्स जो है वो मिनिमाइज हो जाए. सो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ NYB का ये कंसीलर फाउंडेशन कलर करेक्टर एंड कॉन्टोर स्टिक. सो मेरा शेड है गोल्डन एंड मैं इसे एज अ फाउंडेशन अप्लाई करूँगी अपने फेस पे. सो इसे मैं अपने ऑल ओवर फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, आप देख सकते हो. एंड आप इसे चाहो तो एज अ कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो. एंड मैं अपने फिंगर की हेल्प से ही इसे ब्लेंड करूँगी क्योंकि इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है. एंड अगर आप फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करते हो ना तो आपको कवरेज भी ठीक ठाक मिल जाती है जो आपको चाहिए. तो इसलिए मैं फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर. एंड कंसीलर के लिए मैंने यहाँ पे इस ब्यूटी का कंसीलर लिया है. सो मैं बहुत ही लिटिल अमाउंट में यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हो. तो इसे मैं अपने सारे हाइलाइटिंग पॉइंट्स पर लगा लेंगे, अंडर ऑफ द आईज, फोरहेड, नोज एंड अराउंड माय माउथ. एंड इसकी कवरेज बहुत ही अच्छी है इसलिए अगर आप लिटिल बिट ही लोगे तो आपको बहुत ही अच्छी कवरेज मिल जाएगी. देन मैंने एक स्मॉल ब्रश लिया है एंड मैं इसे अच्छे से स्प्रेड करूँगी, आप देख सकते हो. देन अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. सो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये SFR का कॉन्टोर ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट एंड ये बहुत ही अफोर्डेबल आता है. एंड इसके जो ब्लश एंड हाइलाइटर इन सबकी पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी पिगमेंटेशन आपको मिलती है. सो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. सो आप ले सकते हो अगर आप चाहो तो. सो इसमें से मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है एंड मैं अपने चिक बोन्स को कॉन्टोर करूँगी
देख सकते हो। एंड आप अपने हेयर लाइन से ज्वाइन करते हुए कॉन्टोरिंग करें, इससे ऐसे अलग सा नहीं लगता है कि आपने लगाया है एंड डिफरेंस आप देख सकते हो दोनों साइड। तो यह कॉन्टोरिंग करनी चाहिए आपको, अच्छा मिलता है, अच्छा लगता है देखने में। एंड देन फॉरहेड को भी करूँगी मैं कॉन्टोर, क्योंकि मेरी फॉरहेड थोड़ी सी बड़ी है, ज़्यादा नहीं है बट थोड़ी सी हाँ बड़ी है। देन मैं यहाँ अपने जॉ लाइन को कॉन्टोर कर रही हूँ, सॉरी जॉ लाइन को। एंड आप देख सकते हो जो मैं यहाँ पे जो हमारे बोन्स है ना, मैं वहाँ कॉन्टोर कर रही हूँ नीचे के साइड, ताकि हमारे बोन्स जो है ना वो अच्छे से उभर के दिखे। देन मैं यहाँ कॉन्टोर करूँगी अपने नोज़ को, क्योंकि मेरे नोज़ थोड़े से मोटे से पकौड़े जैसे हैं, तो उसे कॉन्टोर करिंग का बहुत ज़रूरी है। एंड मेरा मुंह जो आपको चलता हुआ दिख रहा है ना, सो मैंने ये वीडियो ना चिट चैट में शूट किया था इसलिए। सो अपने फेस को सेट करने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ मेकअप रिलेशन का ये लग्जरी पाउडर। सो मैं अपने जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर यूज़ किया था वहाँ इसे सेट कर लूँगी। बट चिट चैट शूट तो किया था बट ना बहुत लंबा वीडियो हो गया था, तो मैंने सोचा नहीं ये वीडियो रहने देती हूँ, कोई और वीडियो देखा जाए। आईब्रो को फिल करने के लिए मैं यहाँ लूँगी ये ब्लू हेवन का काजल, बहुत ही लाइट हैंड से प्रोडक्ट को पिक किया है मैंने। एंड अब मैं अपने आईब्रो को कर लूँगी फिल। सो मैं यहाँ मिडिल पार्ट से स्टार्ट कर रही हूँ, आप देख सकते हो। तो अच्छे से मैं ऐसे फिल कर लूँगी। एंड गाइज अगर आप आईब्रो ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख सकते हो। एंड अगर आप आईलैसेस कैसे लगा सकते हो आप उसका भी वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी मैंने बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो आप चेक करना बिल्कुल ना भूलें, आई थिंक आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा वो। सो यहाँ मैं अपने जो भी पाउडर थे उसको डस्ट ऑफ कर लूँगी, जो भी एक्स्ट्रा पाउडर थे उसे मैं डस्ट ऑफ कर लूँगी। एंड उसके बाद आप देख सकते हो चिक बोन्स के जो कॉन्टोरिंग थी हमारी वहाँ पे वो कितनी शार्प लग रही है, कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। देन मैंने लिटिल बिट यहाँ पे लिया है कंसीलर एंड अपने आईलिट को यहाँ पे मैं प्राइम करूँगी। अगर आपके पास आई प्राइमर है तो आप वो भी ले सकते हैं एंड आप कंसीलर भी ले सकते हैं। सो उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन मैंने हल्का सा पाउडर लिया है, जो भी लूज़ पाउडर था उसे ही मैं लेके इसे अच्छे से सेट कर लूँगी, ताकि कोई भी क्रीज लाइन ना हो, कोई भी फाइन लाइन ना आए। ये मेकअप रिलेशन का पैलेट रीलोडेड डिवीजन, एंड इसमें से मैं लूँगी ये पीची शेड, ये बहुत ही वॉर्म पीची शेड है। सो इसे मैं एज अ ट्रांजिशन शेड अप्लाई करूँगी अपनी क्रीज पे, आप देख सकते हो। एंड आप फर्स्टली कोई भी कलर ले रहे हैं ना तो आप लाइट शेड ही ले अपने क्रीज के लिए, क्रीज के कलर को थोड़ा। देन मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड पैलेट से ये डार्क पीची शेड, एंड मैं अपने ट्रांजिशन शेड को थोड़ा और डार्क करूँगी एंड अपने क्रीज को थोड़ा सा और डेप्थ दूंगी, ताकि वो देखने में बहुत ही अच्छा लगे। देन मैंने यहाँ पे लिया ये स्ट्रेकर की का आई लव यू टू ब्लैक काजल, सो ये बहुत ही प्यारा काजल है, इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी है। तो इसे हम रफली अप्लाई करेंगे अपने आईलिड पे, आप देख सकते हो, क्योंकि इसे हमें फिर अच्छे से ब्लेंड करना है। तो अगर आप रफली अप्लाई करते हो तो भी कोई इशू नहीं है, बट अगर आप चाहते हो अच्छे से अप्लाई करना तो अच्छे से भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। सो या मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर दिया है। एंड देन मैंने यहाँ पे एक ब्लेंडिंग ब्रश लिया है एंड उसकी हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। तो इसे हम एज अ बेस लेके अप्लाई किए कर रहे हैं। देन हम लेंगे यहाँ पे ब्लैक शेड एंड इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे एंड अच्छे से ब्लेंड करेंगे। एंड अगर आपको अपना आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा चाहिए, ऐसा लगे कि हाँ एक प्रोफेशनल आई मेकअप है, सो आपको ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है। आप ब्लेंडिंग करेंगे तभी आपका आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा। सो यहाँ मैंने थोड़ा सा और डार्क किया अपने ब्लैक शेड को एंड फिर ब्लेंड किया है। एंड वन मोर थिंग गाइज, आप एक ही बार में कलर लेके ना अप्लाई करें, आप धीरे धीरे अपने कलर को डार्क करें, इससे जो है ना आपको पता चलेगा कि हाँ कितना लेना है कितना नहीं लेना है। सो मैंने दोनों आईज पे अप्लाई कर लिया है। देन अगेन मैंने पीची शेड लिया है एंड इससे मैं अपने ब्लैक शेड का जो क्रीज है, जो एजेज है, उसे मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी, ताकि सब कुछ ब्लेंडेबल दिखे।
आप देख सकते हो। देन मैं ये शिमरी सा कौन सा कलर मैं बोलूँ पता नहीं, बट समथिंग ब्लैक टाइप ही है, सो इसे लेके मैं अपने आईलेट पे अप्लाई करूँगी ब्लैक शेड के ऊपर, ताकि जो मेरा स्मोकी लुक है ना वो थोड़ा सा और अच्छा दिखे, थोड़ा डिफरेंट दिखे, थोड़ा स्पार्क आ जाए मेरे आई मेकअप में। सो मैं इसे अप्लाई करूँगी। देन मैं जिस ब्यूटी का ये मेटेलिक आई शेडो लूँगी, शेड है 06। इसे भी मैं अपने पूरे आईलेट पे अच्छे से अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा थोड़ा डिफरेंट सा लुक आ गया, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एकदम स्पार्की सा लग रहा है। वाओ, सो नेक्स्ट मैं ले रही हूँ सिस ब्यूटी का अल्टीमेट आई शेडो पैलेट, एंड मैं इसमें से पीची एंड पिंक शेड को ऐसे मिक्स करके ब्लश अप्लाई करूँगी। तो मैं लिटिल बिट यहाँ पे अप्लाई करूँगी अपने चिक्स पे। वाओ, पिंकी पिंकी सा लुक आ गया प्यारा सा। देन वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर लेंगे, एंड इसे भी हम अपने हाइलाइटिंग पॉइंट पे अप्लाई करेंगे, चिक बोन्स पे एंड टिप ऑफ द नोज, ब्रिज ऑफ द नोज, फोरहेड। एंड लिप्स पे एंड थोड़ा बहुत चिन पे, एंड ब्राबोन को भी हाईलाइट करें, इससे थोड़ा सा अच्छा सा लुक आता है, देख सकते हो। देन मैं यहाँ पे सेम श्रीकृत का काजल यूज़ करूँगी अपने लोअर वाटर लाइन पे। एंड एक डार्क ब्राउन शेड लेके मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, स्मोक आउट कर लूँगी या देन मैंने यहाँ पे मेबलिन का न्यू शेड लिया है, एंड इसे मैं अपने लिप्स पे अप्लाई करूँगी। सो या गाइज, दिस इज़ माई फाइनल हॉट लुक। आपको ये लुक कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको ये लुक पसंद आया ही नहीं आया या नहीं। अगर आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएं। ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। एंड अगर आपको चिट चैट वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आप लोगों के साथ एक चिट चैट वीडियो भी लेके आऊँगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।